नमस्कार दोस्तों, ओशन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनाडा के वर्क वीज़ा के बारे में। क्या कनाडा का वर्क वीज़ा होता है? तो अगर आप कनाडा का वर्क वीज़ा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी एडवर्टीज़मेंट सही है, कौन सी एडवर्टीज़मेंट फेक है, ये मैं आपको आज सिखा दूंगा, जिससे कि डेफिनेटली आपको यह इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फेक है। तो अभी मैं आपको कुछ इसमें एडवर्टीजमेंट्स दिखाऊंगा जो डेली न्यूज़पेपर्स में आती हैं, जो न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कनाडा के नाम पे, अमेरिका के नाम पे, न्यूजीलैंड के नाम पे। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे ये है कनाडा भेजने का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी काबू। तो कनाडा के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो हमने बहुत ज़्यादा सुना है। तो मैं मोटिव हमारा यही है कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनके उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो। आज मैं आपको सिखा दूंगा कौन से टाइप के वीज़ा फ्रॉड होते हैं, कौन से एडवर्टीजमेंट फ्रॉड होती हैं, फेक होती हैं, तो आप ठगी का शिकार इसमें ना बने। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिल सकें। सबसे पहले आता है मेडिकल के नाम पे कुछ लोग जो है ठगी करते हैं। मेडिकल कहते हैं कोई एडवांस नहीं है, कोई अदर फीस नहीं है, आप आइए, डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कुछ दिनों बाद कि आपका मेडिकल आ गया है, मेडिकल करवाइए, 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में मेडिकल के वो ले लेते हैं। तो इस टाइप से अगर वो महीने के 100 एप्लीकेंट से करेंगे तो आपको पता है 5 से 10,000 का मतलब कि 5 लाख से 10 लाख तक उनका इनकम हो जाती है उससे, क्योंकि डॉक्टर भी उनके अपने पैनल के होते हैं, अपने जान पहचान के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी एडवर्टीजमेंट जेन्युइन होती है और कौन सी फेक है, जो न्यूज़पेपर्स में है, ऑनलाइन आती है, वो सारा कुछ। जैसे दोस्तों, अभी ये एडवर्टीजमेंट जो आपको दिखा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का 2 साल का वर्क परमिट, PR, अब ये चीज़ आप देख लेना कि कोई भी ऐड अगर न्यूज़पेपर में आती है उसमें अगर लुभावने ऑफ़र दिए जाएंगे, जैसे 2 साल का वर्क परमिट, पैकिंग हेल्पर, पैकिंग का काम ज़्यादा, लोग सोचते हैं कि पैकिंग हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड पैकिंग का बहुत ईजी काम है, सब कर लेंगे, इसी का फ़ायदा जो है ये उठाते हैं जो फेक एजेंसीज होती हैं। अब इसमें भी देख लीजिए, कुक, हेल्पर, सुनहरा मौका, बहुत कम खर्चे में, PR प्लस वर्क वीज़ा, ये वर्क वीज़ा नहीं होता है। ये कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आती है, ये एक भी एडवर्टीजमेंट सही नहीं है। अब वैसे देख लीजिए, और सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर से मैंने उठाए हुए हैं। कनाडा ऑस्ट्रेलिया का 2 साल का वर्क परमिट, फूड पैकर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, तुरंत ज़रूरत है, ये सब फ्री में है। कोई 10,000 लेगा, कोई 20,000 लेगा, कोई 50,000 लेगा, उसके नाम पे वो उनका पैसा जो है यूज़ करेगा, खाएगा, ये सब फेक है। तो दोस्तों, अब होता किसका कौन सा काम है, सिर्फ कनाडा का वर्क परमिट जो होता है वो बहुत रेयर होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, ठीक है, इनका काम होता है। अभी अब स्कीम्स आती हैं, फीस जो है आप सैलरी में से कटवाओ, 50,000 यहाँ पे दो, बाकी 3 लाख सैलरी में से कटवाओ, सैलरी में से आप डिडक्ट करवा सकते हैं, जबकि ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है। वीज़ा फ्री है, फ्री टिकट्स हैं, कंपनी ने सिर्फ एडवांस, जो कोई एडवांस नहीं होगा, कंपनी ने सिर्फ थोड़ा सा सिक्योरिटी अमाउंट लेना है, 50,000-70,000, वो भी वीज़ा के बाद, वीज़ा अप्रूवल के बाद। अप्रूवल लेटर फेक बनाते हैं, वेबसाइट्स तक फेक बना रहे हैं, वी कांट इमेजिन कि कहां तक वो आगे तक बढ़ चुके हैं जो फ्रॉड करने वाले एजेंसीज हैं। इस तरह से आप जो भी एडवर्टीजमेंट है ये सब फेक हैं। कनाडा के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड, इतना फ्रॉड हो चुका है कि हम एप्लीकेंट्स को समझाते समझाते थक जाते हैं, बट क्या करें, अब लोग समझते नहीं हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की ये देख लीजिए, पैकिंग हेल्पर, 2 ईयर कनाडा का वर्क परमिट, पैकिंग का, बस जो इजी काम होंगे, ज़्यादा 2.5-3 लाख रुपये सैलरी, अगर वो टारगेट किस जनता को करते हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं 12वीं पास जो है उस रेंज में जो है वो। तो अब हमारा तो यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो भी जनता ये वीडियो देखती है तो काइंडली इस टाइप के फ्रॉड से बचें। आज मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ कि होता किसका काम है। वर्क परमिट होता है तो हाई स्किल्ड कैटेगरीज का होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर हो गया, और हाई स्किल्ड कैटेगरीज होगी,
मैनेजर लेवल के जॉब्स होगी, वो भी कैसे होता है? उसमें भी एक तरीका होता है, ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, वहाँ से फिर वीज़ा अप्रूवल आती है, वहाँ से अब एक होता है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, पहले होता था LMO, लेबर मार्केट ओपिनियन। वो क्या होता था, ये होता क्या है कि जो भी कंपनी है वो जॉब ऑफर हमें अगर कर रही है, एप्लीकेंट को अगर कर रही है, तो उसको लोकल मार्केट में भी, कनाडा की लोकल मार्केट में भी एक बार वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हमें जो है ये सुटेबल एप्लीकेंट जो है वो कनाडा में नहीं मिला है, इसलिए जो है हम ओवरसीज से उसको रिक्रूट कर रहे हैं, हम उसको कनाडा से, कनाडा के बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वहाँ पे होता, वर्क परमिट हो सकता है LMIA अप्रूवल जब मिलेगी, बट वो इतना इजी नहीं है, हर पर्सन को नहीं मिल सकता, स्किल्ड कैटेगरीज को मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो हर पढ़े लिखे को, अनपढ़ को वीज़ा दिलाई जा रहे हैं, ये सब फ्रॉड है, सब फेक होता है, सब कोई 10,000 खा रहा है, कोई 50,000 खा रहा है, कोई 1 लाख खा रहा है, कोई मेडिकल के नाम पे ही खाई जा रहा है 5-5 हज़ार। मेडिकल वाले भी उनके अपने होते हैं, 500 से लेके 1,000 रुपये मेडिकल वाले को जाता है, बाकी 4,000 से लेके 8-9 हज़ार तक जो है एजेंट की जेब में जाता है। तो दोस्तों, अब मैंने आपको ये जो इस वीडियो में जो एडवर्टीजमेंट दिया, अगर आपको कोई भी इस टाइप की एडवर्टीजमेंट मिलती है किसी भी न्यूज़पेपर में, तो आप समझ जाइएगा दिस इज़ द फेक वन, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सब फेक है, फ्रॉड है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद, हम ये वर्क वीज़ा नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट वीज़ा में डील करते हैं, बट मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बट मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि जनता के साथ धोखा ना हो सके। बाकी दोस्तों, आपको कोई भी किसी भी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जो भी हेल्प हो सके वो करेंगे। हम स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इनमें डील करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो जेन्युइन होती हैं, बट ये वर्क परमिट के नाम पे हर किसी को, जो अगर आप किसी भी कंपनी, फेक कंपनी में कॉल करते हैं, वो हर कैटेगरी के बंदे को हर जॉब प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप उनको कहेंगे ड्राइवर की जॉब है, तो ड्राइवर में बोले यस है, अगर वो आप कहोगे कि हेल्पर की जॉब, तो हेल्पर का भी कर देंगे, फ्रूट पैकिंग का कहेंगे, फ्रूट पैकिंग का भी कर देंगे, जो भी आपकी जॉब होगी उसमें वो कहेंगे हाँ वैकेंसी है हमारे पास। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा, इस टाइप के जो लुभावने सपने जो दिखाते हैं उनसे बच के रहिएगा। अगर गवर्नमेंट ऑथराइज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई ऑथराइज कंपनी है, तभी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज जो लोकल स्टेट का लाइसेंस होता है, स्टेट लाइसेंस से कुछ नहीं होता, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो गवर्नमेंट जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, वो लाइसेंस होल्डर है, तभी आप अप्लाई कीजिए। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए।